हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग बच्चों को सिखाएंगे कि वो ग्रेटर देन और लेस देन को कैसे पहचाने, उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम कोई भी नंबर दे देंगे, जैसे 5 दे दिया या फिर 7 दे दिया, और कि कैसे पहचाने कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो इसके लिए क्या हम करने को कहेंगे कि 5 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है। तो इसके लिए या तो हम उन्हें 1 to 10 काउंटिंग करने के लिए खुद कहेंगे, या फिर हम खुद लिख करके उन्हें दे देंगे पहली बार कि 1 to 10, जैसे हमने लिख करके दे दिया इस तरह से, या फिर उन्हें कहेंगे कि तुम काउंटिंग लिखो। उसके बाद फिर हम ये 5 नंबर जो है वो दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो सबसे पहले चलिए छोटे की बात करते हैं। तो जो पहले नंबर आएगा ना काउंटिंग में, जो पहले आएगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, वो लेस होगा। तो बच्चे को हम बताएंगे कि जो काउंटिंग में जो सबसे पहले नंबर आए वो लेस होता है। जैसे 5 पहले आ रहा है 7 से, तो वो लेस है, ठीक है। तो 5 स्मॉलर देन 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 पहले आ रहा है। तो हम बच्चों को इस तरह से बताएंगे कि 5 पहले आ रहा है काउंटिंग में, 1 2 3 4 5, 5 पहले आया, तो 5 स्मॉलर देन 7 हो गया, ठीक है। तो जब हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि 5 स्मॉलर देन 7 है, तो आप रूपी 7 जो है वो ग्रेटर बन जाएगा 5 से। तो हम बच्चे को ये बताएंगे कि अगर स्मॉलर तुमको समझ में आ गया तो जो 7 है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो 7 ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से हम बच्चों को अलग अलग बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉलर देन बता रहे हैं तो वो खुद ग्रेटर देन समझ जाएगा कि हाँ, ये दूसरा नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा पहले वाले नंबर से। वो बताएंगे, अब जैसे 8 ले लिया, 8 और 10 में पूछेंगे कि कौन सा बड़ा है तो बताओ। तो बच्चे को बताएंगे फिर कि तुम वैसे ही काउंट करो, और जो पहले आएगा नंबर काउंटिंग में वही तुम्हारा स्मॉल कहलाएगा, ठीक है, वही स्मॉलर होगा। तो 8 आ रहा है पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 के बाद 10 आया, इसलिए 8 स्मॉलर देन 10 हो जाएगा। ओके, 8 स्मॉलर देन 10 हो जाएगा। अब हम इसे सिंबल के रूप में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जो स्मॉल है, 8 स्मॉल है, तो वो हम एक सिंबल जो इसका, जैसे ये इस तरह से हम रख देंगे, 8 है स्मॉल है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्मॉलर या ग्रेटर कैसे रखाएगा, ये इस तरह से होगा या फिर इसका माउथ जो है वो उस तरह से होगा। मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से लिखा जाए। तो ये जो देखिए, ये जो है माउथ इसका, ठीक है, ये देखिए यहाँ बड़ा है, तो बड़ा है यहाँ माउथ, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखिए, ये ग्रेटर देन हो जाएगा जहाँ बड़ा माउथ है। ओके, आप ऐसे समझ लें, ये हो गया ग्रेटर देन। ये जो छोटा सा है पॉइंट टाइप का, छोटा माउथ कहेंगे इसे अगर, तो ये हो जाएगा स्मॉलर देन। तो यहाँ पर स्मॉलर देन हम ये ऐसी टिप्स से, इसी ट्रिक से हम याद रखेंगे कि कहाँ ग्रेटर होगा और कहाँ हमारा स्मॉलर होगा, ठीक है। जहाँ छोटा माउथ वहाँ स्मॉलर या फिर लेस देन, और जहाँ बड़ा होगा वहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से बच्चों को समझाएं और बच्चे इससे समझ जाएंगे। देखिए, स्मॉलर देन को ही लेस देन भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों एक ही हैं, और वो हो गया ग्रेटर देन। ओके, तो इस तरह से अब देखिए, ये तो बच्चे लिख करके समझ जाएंगे, 1 to 10 लिखेंगे तो समझ जाएंगे। और इसके आगे हमें क्या करना है कि हमें बच्चे से कहना है कि तुम ओरल करो, जिसे 1 to 10 ओरल पढ़ो, और जो नंबर पहले आएगा वो तुम्हारा स्मॉल हो जाएगा। जैसे 5 और 7 में 1 2 3 4 5 बच्चा ओरल पढ़ेगा, तो 5 देखिएगा कि 5 तो पहले आ रहा है 7 से, तो 5 है स्मॉलर देन 7 हो जाएगा। तो ओरल पढ़ करके बच्चे इस तरह से समझ सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो स्मॉलर देन, लेस देन और ग्रेटर देन हो गया। अब आते हैं इक्वल पर। तो इक्वल के लिए देखिए, मैंने जैसे 6 ले लिया और यहाँ भी 6 ले लिया, तो फिर ये दोनों क्या है, ना ही ग्रेटर है ना ही लेस देन है, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों जगह 6 है और इक्वल का साइन होता है ये। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं 6 = 6, यानी 6 = 6।
अब चलिए दो नंबर में देखते हैं कि कैसे पहचाने बच्चे कि कौन स्मॉल है और कौन ग्रेटर हो जाएगा और कौन स्मॉलर हो जाएगा। 2, 3 और 6, 5 तो इसमें बच्चे कैसे जानेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें ये है कि आपको पहला नंबर देखना है, पहला नंबर बच्चे को बताना है कि आप इन दोनों में कंपेयर करें। तो देखिए सेम उसी तरह इस तरह से करें और बच्चे को 2 पहले आ रहा है, इसका मतलब 2 पहले आ रहा है तो ये हमें देखना होगा 1s और ये रहा 10, इसे 1s कहते हैं ठीक है और इसे 10s कहते हैं। O 4 1s T 4 10s तो हमें 10s देखना होगा। तो देखिए 2 हमारा काउंटिंग में 2 पहले आ रहा है तो हमारा 23 स्मॉल हो जाएगा ठीक है। 2 पहले आ रहा है इसलिए 23 हमारा स्मॉल हो जाएगा। तो ये देखिए छोटा वाला जो माउथ है वो हम 23 की तरफ रखे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये स्मॉल हो गया। तो और ये जो बिग माउथ है वो 65 की तरफ है, जाहिर सी बात है जब 23 स्मॉल है तो 65 जो है वो ग्रेटर है। तो हम लिख सकते हैं कि 23 इज लेस देन 65 एंड 65 इज ग्रेटर देन 23। अब चलिए अब दूसरे नंबर से समझते हैं। और अब जैसे ये देखिए ये मैंने ले लिया 95 और ये हो गया 98। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ 9 सेम है ठीक है। तो ये 95 में भी 9 है, 98 में भी 9 है। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में हमें टेंस को नहीं देखना है, हमें वंस को देखना है ठीक है। तो ये 8 हो गया हमारा वंस ठीक है, ONES वंस, और ये 9 हो गया टेंस, TENS टेंस ठीक है। ऐसे ही मैंने ऊपर भी बताया है। तो ये हो गया O 4 1s T 4 10s। तो ये देखिए 5 और 8 जो है वो हमारा वंस हो गया। तो इसी में हमें देखना है कि कौन पहले आएगा ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 काउंट करेंगे तो 5 ही पहले आएगा, बच्चे देखेंगे काउंट करके तो उन्हें पता चलेगा कि 5 पहले आ रहा है। तो इसका मतलब 95 हमारा स्मॉलर हो जाएगा 98 से ठीक है। ये छोटा सा माउथ 95 की ओर, तो हम लिखेंगे 95 इज लेस देन 98। सॉरी ये थोड़ा सा कट रहा है। और 98 इज ग्रेटर देन 95 ठीक है। तो हमें जब ये इक्वल मिलेगा तो वंस को देखना होगा, और जब हमारा ये इक्वल नहीं होगा तब हमें टेंस को देखना होगा, यानी कि 2 और 6 को। अब देखिए इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे। अब जहाँ तक सिंबल की बात आती है तो जहाँ माउथ छोटा होगा वहाँ पर स्मॉलर हो जाएगा ठीक है। और ये देखिए स्मॉलर हो जाएगा यानी 23 स्मॉलर, जो बात बड़ा होगा वहाँ बिग नंबर लिखाएगा ठीक है, ग्रेटर नंबर लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं। मैंने कुछ टिप्स भी दे दिए हैं कि कैसे पहचाने सिंबल को कि कहाँ हमारा ग्रेटर देन नंबर लिखाएगा और कहाँ हमारा स्मॉलर नंबर लिखाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा देखने में, समझने में भी, बच्चों को भी समझा पाएंगे अच्छे से मुझे उम्मीद है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आया है तो, और लाइक किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको सब्सक्राइब करना है और फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।